आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल सिंबल्स जो आपके मैथमेटिक्स में नहीं बल्कि साइंस के हर फील्ड में रोज धड़ल्ले से प्रयोग होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स ऑफ जनरल यूज, सामान्य व्यवहार में आने वाला गणितीय संकेत। केवल गणित में ही नहीं बल्कि साइंस के हर फील्ड में इन सारे सिंबल्स का डेली यूज होता है। जैसे यहां देखिए आई पॉइंट ई पॉइंट, ये जो सिंबल है बताता है दैट इज को हिंदी में अर्थात। तो इसे आप याद करें आई ई का अर्थ हुआ दैट इज, यह है इज इक्वल टू। तो ये जो सिंबल है ये आता है इसके लिए, इज इक्वल टू के लिए, के बराबर है। ये जो सिंबल है इक्वल टू को इसे काट दिया है तो ये सिंबल को ऐसे पढ़ते हैं इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू के साइन को काट दिए हैं तो हो गया नॉट इक्वल टू। तो ये सिंबल आता है किसके लिए, तो नॉट इक्वल टू के लिए, के बराबर नहीं है। ये जो सिंबल है ये प्लस को बताता है, ये जो सिंबल है माइनस को बताता है। यदि प्लस माइनस एक साथ लेंगे तो इसको पढ़ा जाता है ऐसे प्लस और माइनस, प्लस एंड माइनस नहीं पढ़िएगा, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का अर्थ हुआ या तो प्लस या माइनस, दोनों में से कोई एक अवश्य, या तो प्लस या तो माइनस। ऐसा ना समझेंगे कि इसमें प्लस भी और माइनस दोनों एक साथ हो, प्लस और माइनस दोनों एक साथ नहीं समझना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि या तो प्लस इसमें है या माइनस है, दोनों में एक जरूर है, या तो प्लस हो या माइनस हो। तो इसे पढ़ते हैं प्लस माइनस। ये जो सिंबल है ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए दो सिंबल है। आप देख रहे हैं एक क्रॉस के रूप में, एक पॉइंट यानी डॉट के रूप में। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए दो सिंबल है, या तो क्रॉस में व्यवहार करें या डॉट से इसको लिखें। ये जो सिंबल है ये डिवीजन को बताता है यानी भाग को। ये सिंबल लेस देन को बताता है, लेस देन मतलब से छोटा। ये जो सिंबल है इसे पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। ये जो संकेत है लेस देन के लिए था, इसमें इक्वलिटी का भी आ गया तो इसे पढ़ा जाता है लेस देन और इक्वल टू, मतलब से छोटा या बराबर। इसमें भी आप समझ लें कहीं भी यह संकेत होगा लेस देन और इक्वल टू तो दोनों एक साथ नहीं समझना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि या तो लेस है या तो इक्वल है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको दूं, केवल लेस देन और लेस देन और इक्वल टू के अंतर को समझ लें। यहां हमने लिखा है टू थ्री के बीच लेस देन का साइन दिया है, यहां अर्थ हुआ टू इज लेस देन थ्री, माने दो तीन से छोटा है, वास्तव में दो तीन से छोटा है। और यहां ध्यान दें लेस देन और इक्वल टू इसको पढ़ रहे हैं, तो इसमें सही बात क्या है, दो तीन के इक्वल तो नहीं कभी हो सकता है,
बल्कि दो तीन से छोटा अवश्य है। तो इसमें इक्वल टू का साइन लागू नहीं हुआ, लागू हो रहा है केवल लेस का। तो लेस देन का और सिंबल और इक्वल टू का सिंबल दोनों में कोई एक अवश्य सही होना चाहिए। तो आप समझ गए ना, टू लेस देन इक्वल टू थ्री यदि लिखे तो यह रिलेशन ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि यहाँ टू थ्री के इक्वल टू नहीं है लेकिन टू थ्री से लेस है। तो जब हम लिखते हैं टू लेस देन और इक्वल टू थ्री तो यह ई नहीं बोध रहा है कि टू थ्री से लेस भी है और टू थ्री के इक्वल भी है। लेस और इक्वल दोनों एक साथ नहीं बोध हो रहा है, इसमें एक ही चीज़ बोध हो रहा है। क्या? तो टू तीन से लेस है, दो तीन से कम है, क्योंकि दो तीन के तो बराबर नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि केवल लेस का मतलब लेस छोटा और लेस देन और इक्वल टू का मतलब या तो लेस या इक्वल। तो इसमें सही कौन है? इक्वल वाला सही नहीं है, लेस वाला सही है। तो लेस और इक्वल दोनों में कोई एक संकेत सही होना चाहिए। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री। देखिए लिखा थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, इसमें स्पष्ट है कि थ्री तीन के बराबर है, यही बात सत्य है। तीन तीन से तो छोटा हो ही नहीं सकता क्योंकि तीन तीन के इक्वल है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, कौन संकेत सही है? दोनों में कोई एक ही आपको सही लग रहा है, कौन? इक्वल टू का। एक एक पाई का मतलब यहाँ ऐसे समझना है इक्वल टू, लेकिन हम लोग लिखते समय केवल एक ही पाई देते हैं, दो पाई नहीं देते। तो थ्री लेस देन और इक्वल टू थ्री में इक्वल टू वाला सही है लेकिन लेस देन वाला सही नहीं है, क्योंकि तीन तीन से कभी लेस नहीं है, तीन तीन के इक्वल है। तो जब हम लिखते हैं थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री तो इसमें सही कौन है? थ्री इज इक्वल टू थ्री। और टू लेस देन इक्वल टू थ्री इसमें सही कौन है? तो टू लेस देन थ्री, इसमें इक्वलिटी सही नहीं है, सही है लेस। इसमें लेस सही नहीं है, सही है इक्वलिटी का साइन। तो आप समझ गए होंगे क्लियर कि लेस देन और इक्वल टू केवल उसी वक्त लगाते हैं जबकि दोनों में से कोई एक संकेत सही हो, दोनों एक साथ सही हो ऐसा नहीं समझेंगे। अब ये जो सिंबल है ये ग्रेटर देन के लिए आता है, से बड़ा। ये सिंबल नॉट ग्रेटर देन, से बड़ा नहीं, ये जीरो का संकेत है आप जानते हैं। ये जो सिंबल है इन्फिनिटी, हिंदी में अनंत के लिए आता है, लार्जेस्ट नंबर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में लार्जेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ी संख्या के लिए हम लोग इन्फिनिटी सिंबल का प्रयोग करते हैं। ये जो सिंबल है जीरो बाय जीरो, इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है, अनिर्णित रूप, क्योंकि जीरो बटा जीरो का कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं होता है। जीरो बटा जीरो कोई भी वैल्यू रख सकता है। जैसे देखिए हम लिखते हैं फोर बाई फोर, तो कटकर वन सही है, लेकिन जीरो बाय जीरो तो ऐसा नहीं कि जीरो जीरो कट के एक हो गया, ये गलत है। तो जीरो बटा जीरो का मान कुछ भी हो सकता है, इसके विषय में मैं बताऊंगा बाद में, अभी केवल सिंबल की चर्चा कर रहे हैं। तो इतना आपको ध्यान देना है कि जीरो बटा जीरो को न जीरो समझें, न एक समझें, न इन्फिनिटी समझें। जीरो बटा जीरो का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका मान फिक्स एक वैल्यू नहीं आता है, इसलिए इसका कोई गणित में निर्णय नहीं है, इसलिए इसे अनिर्णित रूप कहते हैं, अंग्रेजी में इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कैलकुलस में लिमिट अध्याय में जीरो बाय जीरो के विषय में डिटेल्स में बताऊंगा, वहाँ कारण बताऊंगा
कि जीरो बाय जीरो जो फॉर्म है उसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे।